ओह नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। आ गए आप, क्या हाल चाल है आपका। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का 5 मिनट स्टोरीज में। जी हाँ, 5 मिनट के अंदर कहानी। आज शनिवार का दिन है, कल चंद्र ग्रहण है, तो अभी न्यूज नेशन वाले आए थे, मेरा 1 घंटा टीवी पर शो आया, वो रिपीट होगा कल भी सुबह ग्रहण के समय पर, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आई होप सो कि मैंने ये जो है स्टोरी उससे पहले डाल दी हो, नहीं तो मैं आपके साथ नो प्रॉब्लम लिंक शेयर कर दूँ। और ग्रहण के बारे में मैंने वही बताया जो मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाँ जी, तो हमें बात करनी है पहले आपके कुछ सवालों की जो आपने मुझसे पूछे, फिर मैं कहानी सुनाऊंगी। क्योंकि आज दिन शनिवार का है तो मैं कहानी भी आपको शनिदेव की ही सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत मज़ेदार है कि क्यों शनि की दृष्टि को क्रूर दृष्टि कहा जाता है, क्यों शनिदेव की अपने पिता सूर्य से नहीं बनती, क्यों कहते हैं जब कुंडली के अंदर शनि की महादशा और सूर्य की अंतरदशा चल रही हो तो ये जातक के लिए घातक होती है, क्यों कहा जाता है कि बेटे की सूर्य की और पिता की शनि की दशा चल रही हो तो वो दोनों आपस में दुश्मन हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि उम्र के 14 साल की उम्र पर आते आते बच्चा जो है उस एज में आते आते अपने पिता के साथ उसकी बातें उसकी चीज़ें मैच नहीं खाती, क्या इसका कारण सूर्य और शनिदेव हैं, क्या ये सच है या ये पौराणिक कथाएँ सिर्फ हमें बहलाने और डराने के लिए। आपके तमाम तरह के सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन सावन के कुछ सवालों के जवाब पहले दे दूं। आपने कहा अगर हमें पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या हम व्रत रख सकते हैं। देखिए, सावन के 4 सोमवार 5 सोमवार आप ज़रूर रखिए, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी रखिए, आप व्रत रखिए लेकिन पूजा मत करिएगा। आपने कहा 16 सोमवार तो कोई औरत कर ही नहीं सकती, राखी जी 16 सोमवार करेगी तो बीच में पीरियड्स आ जाएंगे। मैं आपसे वही बात तो कह रही हूँ, व्रत तो रखिए ना, मंदिर मत जाइए, जल मत चढ़ाइए, लेकिन पूजा कीजिए। तो किसी ने कहा कि इतने सारे दानों में से हम क्या दान करें, किसी महान मैडम ने तो इतना तक कहा कि राखी जी आप इतने सारे उपाय बताती हैं कि वो खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका जेब और पेट दोनों भरा हुआ है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर फालतू की बकवास और लोगों का मनोबल तोड़ने के काम कर सकती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मुझे हैंडल करना आता है। आपको एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ कि मैं इतने सारे उपाय इसलिए बताती हूँ मैडम जी, क्योंकि लोगों के लिए होता है कि मैम हम ये उपाय नहीं कर पा रहे, क्या आप कोई और उपाय बता सकते हैं, हम वो उपाय नहीं कर पा रहे, क्या और उपाय बता सकते हैं। किसी के लिए कोई उपाय इजी है, किसी के लिए कोई मुश्किल है, और मैं बहुत सारे उपाय इसलिए बताती हूँ कि सब ना सही तो कोई एक तो व्यक्ति कर पाएगा। और अगर आपको लगता है इस चैनल पर खिचड़ी पकती है तो अपना इतना बहुमूल्य समय आप खिचड़ी पकाने में खाने में लगा ही क्यों रही हैं, है ना, तो आप आगे बढ़ जाइए। प्लीज़ डू नॉट वॉच माई चैनल, मेरा चैनल उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों से दुखी हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में दोस्तों ने उन्हें धोखा दे दिया, रिश्तेदारों ने दे दिया, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो घबराइए मत, कोई हो ना हो, मैं डॉक्टर वायरा की अपने इस पूरे परिवार के साथ हूँ, और मुझे अपने इस परिवार में ना सिर्फ अच्छे लोग चाहिए। यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके कुछ टाइम बाद उसे या तो देख ही नहीं पाएंगे, उनके पास जो है मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँच पाएंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रैंडमली कुछ और ढूंढ रहे होते हैं यूट्यूब पर और उनको मेरा चैनल दिखाई दे जाता है, ऐसा लोगों ने मुझसे कहा, और उनका काम और उनकी ज़िंदगी बनने लग जाती है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपकी तरह बिल्कुल, शायद आपने मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो, बिल्कुल आपकी तरह ही इंसान हूँ, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ विश्वास होता है वहीं पर बल और आत्मा साथ देती है, वो बढ़ता है। सबसे पहले आज के दिन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी गुरु इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके आगे मैं नतमस्तक होती हूँ, सारे YouTube के माता पिता के आगे मैं नतमस्तक होती हूँ, और जितने लोग छोटे हैं और किसी के लिए अगर मैं माँ या गुरु हूँ तो उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। आप सुखी रहें, खुश रहें और आपका कल्याण। आज की कहानी है कि बहुत समय पहले सूर्य देवता ने जब विवाह किया तो उनकी पत्नी का नाम छाया था, सॉरी उनकी पत्नी का नाम संध्या था, ठीक है। जब उनकी पत्नी से उनका विवाह हुआ तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन संध्या जी को सूर्य देव का इतना तेज तप था कि वो ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उससे बहुत परेशान थी कि इतना तेज तप है, मैं इस तप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो ये बात किसी से नहीं कह पा रही थी, वो सूर्य देवता के साथ रहती जा रही थी। इस बीच में यमुना और यमराज और मनु, उनके 3 बच्चे हुए, तो उनके जब 3 बच्चे हो गए तो उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा कि मुझे जो है अब कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी योग माया से अपनी तपस्या से अपना एक रूप पैदा कर लिया, जैसे मैं राखी और मैं बिल्कुल अपनी बिल्कुल अपना हम रूप यहाँ पर पैदा कर दूँ, उन्होंने एक और रूप पैदा कर दिया जो छाया थी, एक्चुअली जो संध्या जी की छाया थी उसको उन्होंने
जन्म दिया और उसको बोला कि आज के बाद तुम सूर्य देवता के साथ रहोगी और सूर्य देवता की सेवा करोगी, मेरे बच्चों का लालन पालन करोगी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, तुम मेरे परिवार का ध्यान रखना और ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में राज रहनी चाहिए। ये बात सूर्य देवता को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही। ये बात मजे में कहकर वो अपने मायके चले गए। जब अपने मायके पहुंचे और उन्होंने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत डांटा फटकारा और मायके से भी निकाल दिया और वापस जाने की सलाह तुरंत दी। लेकिन अपनी पीड़ा को वो नहीं समझा पा रही थी अपने माता पिता को कि सूर्य देव में इतना तेज है कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो जो है अपने मायके से जब निकाल दी गई, उनके घर वालों ने उन्हें समझाया कि सूर्य देवता के पास वापस जाओ, तो वो सूर्य देवता के पास भी वापस नहीं गई। वो कहाँ गई? वो वहाँ से वन में चली गई और उन्होंने सोचा जंगल के अंदर रहकर मैं बहुत ज़्यादा तपस्या करूँगी ताकि सूर्य देवता का थोड़ा सा प्रताप यानी कि उनका तेज थोड़ा कम हो जाए और हम पति पत्नी की तरह आराम से रह सकें, ठीक है। और वो ये तपस्या करने लगे। इधर जो छाया थी वो सूर्य देवता के साथ बहुत आराम से रह रही थी, सूर्य देवता को ये पता भी नहीं चला कि वो उनकी पत्नी नहीं है। इस बीच में जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें जो पुत्र पैदा हुआ वो शनिदेव थे। शनिदेव जब पैदा हुए तो किसी तरह से सूर्य देव को ये पता चल गया कि ये मेरी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी छाया है। उन्होंने बहुत गुस्सा किया छाया को और जब अपनी माँ का अपमान होते हुए शनिदेव ने देखा तो वो ये देख नहीं पाए और उन्हें बहुत गुस्सा आया। क्योंकि जब शनिदेव पैदा हुए तो आपको पता है छाया प्रेग्नेंट थी तो वो मनी मन में सोचती थी अगर सूर्य देवता को पता चल गया, अगर सूर्य देवता को पता चल गया तो क्या होगा मेरा। इस बीच में वो उनका जो बच्चा था ना उसका रंग पेटी पेट में उनके गर्भ में ही काला होने लग गया। जब छाया ने डिलीवरी करी, बच्चा जन्मा, वो सूर्यदेव के पास ले गई तो सूर्यदेव ने कहा इतना काला बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ऐसा बोलते ही सूर्यदेव का भी रंग काला हो गया। अब सूर्यदेव हो गए बड़े परेशान कि भाई ये कैसे है। वो भागे भागे शिवजी के पास गए। शिव के पास गए तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और शिव के वरदान से सूर्यदेव का रंग वापस हो गया। वो अपने लोक को वापस आए, उनके गोरों का रंग काला हो गया। सब सही होने के बाद उन्होंने अपने बेटे पुत्र को शनिदेव को अपनाने से मना कर दिया और अपनी अपनी बेटी जो है अपनी जो पत्नी है उसका भी बहुत अपमान किया और केवल उन्होंने कहा मेरे तीन ही बच्चे हैं यमुना और यमराज और मनु, मैं शनि को अपना पुत्र नहीं मानता। इस पर शनिदेव गुस्सा हो गया और अपने माँ का जो है अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब से उन्होंने अपने मन ही मन में अपने पिता सूर्यदेव के लिए नफरत की गांठ बना ली जो कभी खत्म नहीं हो पाई। इसलिए सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और जब भी शनि की दशाएं आती हैं या एक साथ ये कुंडली के अंदर बैठे हों तो बड़ी कष्ट और तकलीफों भरा ये समय आता है। तो ये कहानी थी पिता और पुत्र की जहाँ आपस में नहीं बनी दोनों की। आपको उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। लेकिन आपके मन में एक बात और होगी कि शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी क्यों है? क्यों कहा जाता है शनि की दृष्टि जिस पर पड़े वो बर्बाद हो जाता है, 7.5 साल तक के लिए उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाती है। इसके पीछे भी एक छोटी सी लोक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। शनि जब बड़े हुए तो उनकी शादी कर दी गई, लेकिन शनिदेव जब पेट में थे तो उनकी मम्मी हर वक्त शिव की पूजा किया करती थी। कहीं कई पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि उनकी माता छाया देवी डर के मारे विष्णु जी की पूजा किया करती थी। लेकिन कहने का मतलब यह कि महादेव की पूजा या विष्णु की पूजा किया करती थी। इसीलिए जब शनिदेव बड़े हुए तो शनिदेव भी शिव के पुजारी हो गए। वो 24 घंटे शिव की पूजा किया करते थे। उनकी शादी जब कर दी गई तो वो अपनी पत्नी पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते थे। पत्नी एक दिन बहुत सुंदर सा सवर कर उनके सामने आई और सामने आने के बाद उन्हें जो है अपनी ओर लुभाहित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शनिदेव के सामने खड़ी हो गई। शनिदेव फिर भी उन्हें नहीं देख रहे थे। शनिदेव ने उनको देखकर नज़र हटा दी और वो शिव की तरफ देखकर शिव की पूजा करने लगे। उस दिन उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी उसका कुछ भी नहीं बचेगा, उसका सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। जैसे जब भी शनिदेव पर तेल चढ़ाए ना, जैसे कैमरा मेरे सामने है तो थोड़ा सा साइड होकर तेल चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल शनि के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। शनि की आंखों से आंखें कभी नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि शनि की दृष्टि अगर आप पर पड़ जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे